हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के एक नेता का पोस्ट जब वायरल हुआ तो ये चर्चा होने लगी कि क्या संगठन में रहने वाले बीजेपी नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को अब भी सीएम योगी पर भरोसा है। जिस भरोसे के साथ 2017 में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर अपना एतबार जाहिर किया था, वही विश्वास क्या अब भी जिंदा है या फिर वो तरकने लगा है? यूपी में सरकार से लेकर बीजेपी संगठन में 2022 के मद्देनजर जब बड़े बड़े फेरबदल होने की अटकलें बढ़ी हैं, तब से बहुत सी बातें ऐसी सामने आने लगी जिससे कहीं न कहीं इन अटकलों को मजबूती मिलने लगी। कोरोना की दूसरी लहर के शुरुआती महीने में जिस तरह से सूबे में अव्यवस्था फैली और इसे सरकार, मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और संगठन के बड़े नेताओं ने जैसे डील किया, इससे बीजेपी की किरकिरी हुई। इसकी झलक पंचायत चुनाव में देखने को मिली और इसी कारण बीजेपी ने जो टारगेट तय किया था उसके मुताबिक सीटें नहीं मिली, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान के माथे पर पसीना आया। अब बीजेपी से लेकर सरकार के अंदर खाने परिवर्तन होने की अटकलें लगने लगी हैं। मगर परिवर्तन हुआ तो किसे अहम जिम्मेदारी मिलेगी? इसी फहरिस्त में पीएम मोदी के करीबी पूर्व नौकर शाह और बीजेपी एमएलसी अरविंद शर्मा का नाम सबसे आगे है। ऐसे में सवाल उठता है, एके शर्मा को बीजेपी की ओर से क्या जिम्मेदारी मिलेगी? क्या वो योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे या फिर उससे भी बड़ा पद? क्या ये बड़ा पद मुख्यमंत्री का हो सकता है? ये बात अटकलों में तो नहीं आई, लेकिन बीजेपी नेता और आरएसएस से जुड़े ब्रजेश सौरभ ने एक ऐसा पोस्ट किया जिससे ये लग रहा है कि बीजेपी में सीएम योगी के खिलाफ बोलने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ब्रजेश ने सोशल मीडिया में अपने पोस्ट में कुछ इस तरीके से लिखा है, यूपी में हमारी पार्टी में बड़े फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। हाल ही में सीनियर आईएएस के पोस्ट से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त लेने वाले अरविंद शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा आम है। शर्मा जी के बारे में सुना है कि वो प्रशासनिक नौकरी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के बेहद करीबी थे। गुजरात और देश से जुड़े कई बड़े मामलों में उनसे राय भी ली जाती रही है। अगर अरविंद शर्मा जी, जिनमें प्रशासनिक अधिकारी और सहज सरल, सबके लिए सुलभ और जो राजनेता और प्रशासनिक क्षमता कॉम्बिनेशन है, उनके हाथ में इस सूबे की कमान सौंप दी जाए तो हमें लगता है इस उत्तर प्रदेश के भी दिन फिर से अच्छे हो जाएंगे। इस पोस्ट से ब्रजेश सौरभ की आस्था बीजेपी एमएलसी एके शर्मा के लिए जाहिर हो रही है, वही सीएम योगी के खिलाफ नाराजगी। सौरभ ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी से ये भी अपील की, माननीय प्रधानमंत्री जी और विचार परिवार से हम प्रदेशवासी विनम्र अनुरोध करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि श्री अरविंद शर्मा जी को प्रदेश की बागडोर सौंपकर मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश के जनमानस का खोया हुआ भरोसा फिर से हासिल किया जा सकता है। और नीचे हैशटैग वी सपोर्ट अरविंद शर्मा। क्या ये नाराजगी सिर्फ ब्रजेश सौरभ की है या फिर बीजेपी के अंदर खाने अन्य नेताओं में भी सीएम योगी के लिए विरोध के स्वर बढ़ रहे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।